खबर देपालपुर इंदौर से। विधायक विशाल पटेल ने मंगलवार को देपालपुर के शहीद भागीरथ सिलावट महाविद्यालय में बनने जा रहे कोविड आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड आइसोलेशन सेंटर प्रत्येक कक्ष में जाकर व्यवस्थाओं की आपूर्ति के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मौके पर उपस्थित तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह को चर्चा में निर्देश दिए कि जब तक यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर्स और स्टाफ की ड्यूटी सभी प्रकार की संपूर्ण व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कोविड आइसोलेशन सेंटर शुरू नहीं होगा किया जाएगा। देपालपुर क्षेत्रवासियों को आ रही ऑक्सीजन किल्लत को लेकर देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देपालपुर में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस बाबत उन्होंने कुल 25 लाख रुपए की राशि विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देपालपुर में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि का स्वीकृत पत्र देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह को दिया। इस अवसर पर जनपद CEO राजू मेड़ा, थाना प्रभारी सुश्री मीणा कर्णावत, नगर परिषद CMO, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आदि उपस्थित थे। विधायक विशाल पटेल ने बताया कि मेरे द्वारा कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की संपूर्ण विधायक निधि 2 करोड़ रुपए देने का सहमति पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया है। विधायक पटेल ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए देपालपुर, गांधीनगर, बेटमा, गौतमपुरा और हातोद में मेडिकल पैकेज दवाई का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके लिए इन ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु इस दवाई के 15,000 पैकेट तैयार कराए गए। विधायक पटेल द्वारा आज बुधवार को सुबह से कोरोना के लक्षणों से पीड़ित नागरिकों को निःशुल्क ये दवाई देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जब तक सारी तैयारी ना हो जाए तब तक अपन एडमिट ही नहीं। एडमिट भी अपन किसको कर रहे हैं, मतलब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे और घर में ठीक हो जाएंगे, वो क्या घर में ही तो रहने से मतलब एकाएक तबियत खराब हो रही है। यहाँ वॉच करते रहेंगे, घर में रहते हैं तो एक तो दूसरों को संक्रमित भी करते रहते हैं और देर सवेर बहुतों की उसमें तबीयत खराब है। नहीं रहेगा मेडिकल की व्यवस्था जब तक तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यह मालूम पड़ा कि यहाँ आपने बम बना दिया है, ये कहाँ फूटेगा, कितना बड़ा फूटेगा, वो तो बहुत बड़ा रिस्क रहेगा सर। बिना डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर की उपलब्धता होगी उसी के बाद फिजिकली जो भी अरेंजमेंट है अभी तो वो कर रहे हैं। उसको घोषणा कर चुका हूं कि मेरी संपूर्ण विधायक निधि 1 वर्ष की जो आती है वो देपालपुर के हर एक व्यक्ति को काम आए। इस कोरोना की महामारी के अंदर मैं कैसे पूरी राशि उनके उपयोग में आ सकती हो, उसका मैंने पहले भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं लेटर लिख चुका था कि मेरी संपूर्ण 2 करोड़ की जो राशि आती है उसका आप सदुपयोग करें और लोगों को इंजेक्शन अवेल कराएं, ऑक्सीजन अवेल कराएं और कोविड सेंटर देपालपुर में बनाएं ताकि लोगों की जान बच सके। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की रही। आज 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, वो नहीं कोई भी किसी प्रकार की, हम कांग्रेसी होने के नाते हम उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे ही मुझे जानकारी लगी कि हमारे देपालपुर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, कहीं ना कहीं इंदौर शहर में जब जाते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होती, एक बड़ी तकलीफ आती है, तो यहीं हॉस्पिटल में आते हुए समय में कोई तकलीफ ना आए इसी को लेकर हमने मैंने 25 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन मशीन के लिए बड़ी मशीन यहाँ देपालपुर में लगी कि आते हुए समय में यहाँ कभी तकलीफ नहीं आए। क्वारंटाइन सेंटर वही बात, मैंने अभी यहाँ देखा आइसोलेशन सेंटर देखा, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। खिलाफ इसलिए हूँ कि आज सरकार को आइसोलेशन करने की ज़रूरत इसमें नहीं थी। मैंने उसी के संदर्भ में मैंने और माननीय संजय शुक्ला जी ने 30,000 पैकेट हम लोगों ने बनवाए हैं, 15,000 वो उनके इंदौर शहर में बांट रहे हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में बांट रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जिस व्यक्ति को भी हल्की फुल्की सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी है उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर से लिखा हुआ प्रिस्क्राइब्ड है, आप सब ले सकते हैं, इस पर किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी।
उल्टा ये है कि अब लोग जो जनता गांव की है जो डर रही है कहीं ना कहीं जांच कराने में वैक्सीन लगाने में, ये प्रिस्क्रिप्शन आप ले, आपको ऑक्सीजन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं घर पे ही आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए देवपालपुर इंदौर से संदीप सेन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।